बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 17 के अंदर आज हम कंपैरिजन स्टडी करेंगे, कंपैरिजन बिटवीन नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन के दरमियान, से नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन के दरमियान कंपैरिजन स्टडी करेंगे। सो अगर आपको इन दोनों की सही समझ आती है, जो हमने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है और जो नर्वस सिस्टम पढ़ा है, तो फिर बहुत सिंपल सा कंपैरिजन है। शुरू में हम इसकी सिमिलैरिटीज़ देखते हैं, ज़रा सिमिलैरिटीज़ क्या हैं दोनों सिस्टम के अंदर। सबसे पहले ये है कि दोनों जो उनसे हैं वो केमिकल मैसेंजर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट क्या है, बोथ प्रोड्यूस केमिकल मैसेंजर्स, सही। मतलब नर्वस सिस्टम के अंदर कौन से केमिकल मैसेंजर्स थे जो हमने पढ़े थे, अगर आपको याद हो, जो साइनैप्स के अंदर होते हैं, डेट इज़ न्यूरोट्रांसमीटर्स, सही है। और जबकि एंडोक्राइन के अंदर जो हमने पढ़े थे, ग्लैंड्स जो बनाते हैं, डेट इज़ एंडोक्राइन के अंदर हमने हार्मोन्स कहा था, ठीक है। तो हार्मोन्स हो गए या न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये दोनों ही केमिकल्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा, दोनों रिलीज होते हैं आउट ऑफ द सेल, रिलीज आउट ऑफ सेल। आउट ऑफ सेल से क्या मतलब है कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में, ठीक है। इसका क्या मतलब है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस के अंदर वो रिलीज होते हैं, ठीक है। मतलब न्यूरोट्रांसमीटर के केस के अंदर वो साइनैप्स के अंदर रिलीज़ होंगे, जबकि हार्मोन्स के केस के अंदर वो ब्लड के अंदर रिलीज़ होते हैं। अच्छा, दोनों का फंक्शन क्या है, एक ही फंक्शन है कि कोऑर्डिनेशन, बोथ वर्क फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, कंट्रोल, ठीक है। दोनों का काम क्या है, बेसिकली कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, यानी हम आहंगी बॉडी के ऑर्गन्स के दरमियान प्रोड्यूस करना, सही। और दोनों के लिए बोथ नीड स्टिमुलाई, बोथ नीड स्टिमुलाई टू, यानी दोनों को स्टिमुलाई की ज़रूरत होती है, फिर जाके वो यानी आगे अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यानी जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो हमने नर्व इम्पल्स पड़ी थी, वो स्टेम ट्रेवल करेगी जब स्टिमुलस आएगी। इस तरह जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसके अंदर हार्मोन्स उस टाइम रिलीज होंगे जब स्टिमुलस आएगी, ठीक है। दोनों के लिए स्टिमुलस रिक्वायर्ड होती है, सही। और ये स्टिमुलाई इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल दोनों हो सकती है, सही। और दोनों का फंक्शन जो है हीमोस्टेसिस है, ठीक है जी। सॉरी, फिफ्थ हो गई, फिफ्थ, बोथ वर्क फॉर हीमोस्टेसिस के बॉडी के अंदर बैलेंस कायम रहे, सही। यानी टेम्परेचर का बैलेंस रहे, इसके अलावा हार्मोन यानी जो एक्टिविटीज़ है बॉडी की, जितनी भी ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, शुगर लेवल है, सही, ये सब बैलेंस के अंदर रहें। तो इसलिए दोनों का काम होम्योस्टेसिस है, ठीक है। बॉडी का पोस्चर बैलेंस में रहे तो उन सब के अंदर फंक्शन। सो ये इनकी सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों ने केमिकल मैसेंजर प्रोड्यूस किए, फिर दोनों आउट ऑफ द सेल यानी आउट एक्सेसलर स्पेसिस के अंदर रिलीज़ कर रहे हैं अपने केमिकल मैसेंजर्स, कोऑर्डिनेशन के लिए दोनों काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंट्रोल के लिए, फिर दोनों के लिए स्टिमुलस की ज़रूरत है स्टार्ट होने के लिए, सही। और दोनों हीमोस्टेसिस के लिए काम कर रहे हैं। सो ये सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों, यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्व कोऑर्डिनेशन में। अब हम आते हैं डिफरेंसेस के अंदर, कि डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। डिफरेंसेस क्या हैं, मतलब हम एक तरफ नर्वस कोऑर्डिनेशन लेते हैं और दूसरी तरफ केमिकल कोऑर्डिनेशन लेते हैं, सही। तो सबसे पहला फ़र्क जो उनसे है दोनों में वो ये है कि जो इनका फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट, तो जो नर्वस सिस्टम है इसके अंदर फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन्स हैं, सही। नहीं, न्यूरॉन्स के अंदर कौन कौन से हैं,
मोटर है, सेंसरी है एंड एसोसिएटिव न्यूरॉन। सही, जबकि इनके फंक्शन के अंदर सेक्रेटरी सेल्स हैं, सेक्रेटरी सेल्स हैं, उसमें न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हो सकते हैं, जिस तरह के न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स किस में पढ़ा है हमने, हाइपोथैलेमस के अंदर। ठीक है जी, हाइपोथैलेमस जो है बेसिकली न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, हाइपोथैलेमस सही, हाइपोथैलेमस के अंदर। और कुछ जो से सिंपल एपिथेलियल सेल्स हैं, एपिथेलियल सेक्रेटरी सेल्स होते हैं, ठीक है, एपिथेलियल सेक्रेटरी सेल्स जो कि ग्लैंड्स के अंदर मौजूद होते हैं। सो दोनों के फंक्शन यूनिट में फ़र्क है कि एक के अंदर न्यूरॉन्स हैं जो कि नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं। अच्छा, न्यूरॉन्स के साथ एक और सेल्स भी होते हैं, कौन से होते हैं बोला, न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है, जो कि 50% ब्रेन का बनाते हैं, कि नर्वस सिस्टम का 50%, जो कि इनको क्या कर रहे थे बेसिकली, नोरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये हमने शुरू में पढ़ा था, नोरिशमेंट के लिए ये वहाँ पे मौजूद होता है न्यूरोग्लियल सेल्स। सो दोनों के फंक्शन यूनिट्स के अंदर पहला फ़र्क आ गया। ओके, दूसरा हम आते हैं जो केमिकल मैसेंजर्स हैं, ठीक है, दूसरा जो फ़र्क है दोनों के दरमियान वो केमिकल्स या केमिकल मैसेंजर्स कह लें, मतलब जो नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर है वो हमारे पास केमिकल मैसेंजर्स किस शक्ल में होते हैं भला, न्यूरोट्रांसमीटर्स की शक्ल में, यानी इसके अंदर हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल में क्या थी हमारे पास, मसलन एसिटाइल कोलीन है, एसिटाइल कोलीन, जबकि इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर की जगह पे इसके अंदर हार्मोन्स होते हैं। सही, और ये कहाँ पे, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल्स क्या है, इंसुलिन, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। सो केमिकल मैसेंजर में भी फ़र्क है दोनों के। और दूसरा, ये केमिकल मैसेंजर न्यूरोट्रांसमीटर किस में रिलीज होंगे, रिलीज इन सिनेप्स, ठीक है, कि जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये जो सिनेप्टिक स्पेस है उसके अंदर ही रिलीज होते हैं, जबकि हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज इन, सॉरी, रिलीज इन ब्लड, ठीक है, ये ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं। सो केमिकल मैसेंजर्स दोनों तो बना रहे हैं, यानी ये भी चले हम कह लेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स भी केमिकल है, हार्मोन भी केमिकल है, लेकिन ये सिनेप्स के अंदर रिलीज हो रहा है और ये ब्लड के अंदर रिलीज हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देखते हैं हम जो टारगेट ऑर्गन है, टारगेट ऑर्गन जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसके अंदर टारगेट ऑर्गन बहुत करीब होते हैं। ठीक है, टारगेट ऑर्गन इन नर्वस कोऑर्डिनेशन, टारगेट ऑर्गन्स आर नियर टू न्यूरोनल एंडिंग्स। ठीक है, कि न्यूरोनल एंडिंग्स के साथ ही टारगेट ऑर्गन मौजूद होता है, साइनेप्स में से न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं और फौरन आगे रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बाइंड कर जाते हैं। तो बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस होता है न्यूरॉन्स और टारगेट ऑर्गन के दरमियान, जबकि इसके अंदर टारगेट ऑर्गन्स आर फार बिहाइंड, टारगेट ऑर्गन्स आर फार बिहाइंड, फार कह लेंगे, दूर होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल क्या है कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड इन साइनेप्स। ठीक है, साइनेप्स के अंदर रिलीज होंगे, तो साइनेप्स के जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो न्यूरॉन, क्योंकि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन किसी बाज़ का तो इफेक्टर ऑर्गन्स की भी हो सकती है, मसलन अगर जो हमारे पास न्यूरो मस्कुलर जंक्शन हो। ठीक है, अगर न्यूरो मस्कुलर जंक्शन इसकी एग्जांपल है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ये भी एक साइनेप्स की तरह होता है, यानी एक तरफ न्यूरोनल एंडिंग होती है और आगे मसल्स होते हैं, तो नर्व इम्पल्स जो है वो नर्व इम्पल्स तो नहीं जाती, बेसिकली जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से निकल कर फौरन
मसल्स के ऊपर जंप करते हैं और फिर वहाँ पे इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं. सो बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है, जबकि इसके अंदर टारगेट ऑर्गन बहुत दूर दूर होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जो ADH है, एंटी डायरेटिक हारमोन, ये रिलीज़ होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि आपको पता है आपको ब्रेन में लोकेट करता है, सही है, और इट अफेक्ट्स किडनी. और इसका इफेक्ट किस पे होता है? किडनी, क्योंकि ADH जोन सा है ना ओस्मो रेगुलेशन के अंदर हेल्प करता है. जब हम बात कर रहे थे, जब हमने यानी पीछे अगर आप देख भी सकते हैं, जब हमने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था ADH का फंक्शन क्या है. तो ADH का जो फंक्शन है बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन है, और ऑस्मो रेगुलेशन किसके ज़रिए होती है? किडनीज के ज़रिए. सो यानी ब्रेन से जो मैसेंजर है यानी जो हार्मोन है वो ट्रैवल करता है ब्लड के ज़रिए किडनीज में आता है, वहाँ जाके उसका इफेक्ट जनरेट होता है. सो टारगेट ऑर्गन का भी फ़र्क है. अच्छा, इसके अलावा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मतलब अगर स्टिमुलाई आती है तो जो न्यूरॉन्स होते हैं या नर्वस सिस्टम जो है इसका बहुत फास्ट रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, यानी फ़ौरन नर्व इम्पल्स जो से फ़ौरन उसको पिक करती है और उसका रिस्पॉन्स फ़ौरन, यानी जिससे एग्जांपल में इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन कितना फास्ट होता है आपको, यानी फ़ौरन झटके से पता चल जाता है, आप फ़ौरन हाथ हटा लेते हैं रिफ्लेक्स एक्शन जो से. जबकि इसमें मोस्टली प्रोलोंग होता है, प्रोलोंग बाज के अंदर फास्ट भी होता है, ठीक है. प्रोलोंग एग्जांपल क्या, मसलन ग्रोथ हार्मोन जो सा है बहुत देर से रिलीज़ होता है, यानी आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होता है, जबकि फास्ट के अंदर इंसुलिन कि जो ही आप खुराक लेते हैं तो इंसुलिन बनना शुरू हो जाती है, तो ये थोड़ा सा फास्ट रिस्पॉन्स है, लेकिन उतना फास्ट नहीं है जितना कि न्यूरॉन्स के अंदर या नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर आता है. सो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई में भी फ़र्क आ जाता है इसमें. अच्छा, इसके अलावा एक और मेजर फ़र्क है, वो ये है कि टाइप्स ऑफ मैसेंजर मतलब जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसके अंदर इम्पल्स भी होती है, इम्पल्स यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है, सही, और न्यूरो ट्रांसमीटर्स भी होते हैं, ठीक है, जबकि इसके अंदर सिर्फ हारमोन्स हैं, ओनली हारमोन, जबकि इसके अंदर इम्पल्स है और न्यूरो ट्रांसमीटर्स भी हैं. तो इम्पल्स जो से थ्रू आउट मेम्ब्रेन ट्रेवल करती है और न्यूरॉन एंडिंग के अंदर, ठीक है, जो एक्सोनल एंडिंग है वहाँ पे जाके न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे बाइंड करते हैं, सही. सो इसके अंदर थोड़ी सी वैरायटी है नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर, यानी कि इम्पल्स है और न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं. ओके, इसके बाद टाइप्स ऑफ मैसेंजर के बाद काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, काइंड ऑफ रिस्पॉन्स में इसका बहुत फास्ट होता है, वेरी फास्ट, ठीक है, यानी 120 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इसका रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, फ़ौरन बॉडी के पास, यानी कह लेंगे जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ब्रेन तक इंफॉर्मेशन चली जाती है, जबकि इसका स्लो होता है, ठीक है, और वेरी नॉट वेरी रैपिड, ठीक है. कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा फास्ट भी होता है, मतलब इंसुलिन का जो सब फंक्शन है वो थोड़ा फास्ट है, और क्या है कुछ हार्मोन्स जो सब बहुत स्लो रिलीज़ होते हैं, ठीक. तो ओवरऑल स्लो रिस्पॉन्स है केमिकल कोऑर्डिनेशन का, जबकि नर्वस कोऑर्डिनेशन का बहुत फास्ट होता है. ओके, इसका एक लास्ट डिफरेंस क्या है कि दोनों के मैसेंजर की लाइफ, ठीक है, लाइफ ऑफ मैसेंजर केमिकल, इसके जो केमिकल्स हैं ये शॉर्ट लाइफ के होते हैं, ठीक है, यानी फ़ौरन किल हो जाते हैं, जो ही नेक्स्ट मेम्ब्रेन से बाइंड होते हैं उसके बाद उससे तोड़ दिया जाता है, ठीक है, डिग्रेड इंस्टेंटली, ठीक है, फ़ौरन डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है, जबकि इसकी लॉन्ग लाइफ होती है, ठीक है, लॉन्ग लाइफ या लॉन्ग प्लाज्मा लाइफ होती है, काफ़ी देर तक ब्लड के अंदर मौजूद रहते हैं, ठीक है, जी रिमेन इन ब्लड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ
टाइम, ठीक है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता ये रिमूव होते हैं. सो इनकी शॉर्टर ड्यूरेशन होगी, रिस्पांस की शॉर्टर ड्यूरेशन, ठीक है, और इनकी ड्यूरेशन लॉन्गर होगी, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ रिस्पांस, यानी काफ़ी देर तक रिस्पांस आता रहेगा, जबकि इसके अंदर बहुत थोड़ी देर के लिए रिस्पांस आएगा. सही, तो ये मेन डिफरेंसेस होगी किसके दरमियान, केमिकल और नर्वस कोऑर्डिनेशन के दरमियान. सो हमने क्या क्या डिफरेंसेस स्टडी किए हैं केमिकल और नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर, वो हम शुरू से देखते हैं. सॉरी, और हमने जो स्टार्ट लिया था वो कहाँ से लिया था बोला भाई, आ जाओ ऊपर, ये आ गया, फंक्शन यूनिट से लिया था, ठीक है. हमने कहा जी कि जो फंक्शन यूनिट्स हैं, एक तरफ नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर न्यूरॉन्स हैं, दूसरा स्किटरी सेल्स हैं. सही, न्यूरॉन्स के हमने टाइप्स की, मोटर है, सेंसरी है, एसोसिएटिव है, जबकि स्क्रीटरी के अंदर हमने पास न्यूरोस्क्रीटरी सेल्स हैं जो कि हाइपोथैलेमस में होते हैं, इसके अलावा एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि इन ग्लैंड्स की शक्ल में होते हैं, ग्लैंड्स के अंदर होते हैं. सही, और इसके अंदर न्यूरोग्लियल सेल्स भी होते हैं जो कि नरिशमेंट सप्लाई करते हैं. और फिर केमिकल मैसेंजर की बात की, एक तरफ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, एक तरफ हारमोन्स हैं, ठीक है. फिर उसकी एग्जाम्पल देखी है हमने. फिर टारगेट ऑर्गन्स जो नर्वस कोऑर्डिनेशन के, इनके टारगेट ऑर्गन्स करीब होते हैं, ठीक है, नियर द न्यूरोनल एंडिंग्स, ठीक है, जो ही न्यूरोनल एंडिंग्स आती है, बीच में साइनैप्स आता है और आगे टारगेट ऑर्गन होता है, ठीक है. एग्जांपल में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है इसके, जिसके साइनैप्स के साथ ही मसल्स मौजूद होते हैं, जबकि इनके टारगेट ऑर्गन्स बहुत दूर दूर होते हैं. मसलन ADH का जो सा टारगेट ऑर्गन है वो किडनी है, जो कि यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है. इसी तरह स्टिमुलस से रिस्पांस एक का बहुत फास्ट है, कि जो ही स्टिमुलाई आती है फ़ौरन फास्ट रिस्पांस देता है, और एक का प्रोलॉन्ग है, ठीक है. इसलिए जो इमरजेंसी कंडीशन इस टाइम ज़्यादा आपका नर्वस कोऑर्डिनेशन हेल्प कर रही होती है. केमिकल कोऑर्डिनेशन बहुत आहिस्ता आहिस्ता से एक्टिवेट होती है. टाइप्स ऑफ मैसेंजर्स में आते हैं, एक के अंदर दो किस्म के मैसेंजर्स हैं, मतलब इम्पल्स के जरिए भी मैसेज आ रहा होता है और न्यूरो ट्रांसमीटर्स भी होते हैं, ठीक है, जबकि एक तरफ सिर्फ अकेले हारमोन्स हैं. फिर उसके बाद लाइफ ऑफ मैसेंजर केमिकल्स, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये इनकी शॉर्ट लाइफ होती है बहुत, यानी फ़ौरन डाई कर जाते हैं, फ़ौरन डिग्रेड हो जाते हैं इंस्टेंटली, शॉर्टर ड्यूरेशन. जो इनका रिस्पांस है वो भी शॉर्टर ड्यूरेशन रिस्पांस होगा, जबकि दूसरी तरफ इनकी लॉन्ग लाइफ होती है, लॉन्ग प्लाज्मा लाइफ, और ब्लड के अंदर काफ़ी देर तक रहते हैं. सही, उनकी रिस्पॉन्स भी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, काफ़ी देर के लिए होता है. सो ये हो गया हमारे आज की, यानी हमने कंपैरिजन किया नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन का. अगले चैप्टर के अंदर हम बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे.